उमरिया जिले में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण लगातार जिले में जल स्तर नीचे की ओर खिसक रहा है, जिसे देखते हुए जब से जिला कलेक्टर द्वारा क्षेत्र में खुलेआम हो रहे नलकूप खनन कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है, तब से क्षेत्र में बोर खनन माफिया पूरी तरह से सक्रिय होते हैं, जिनके द्वारा दिन में ग्राहकों की तलाश कर ली जाती है और पॉइंट देख लिया जाता है। रात के अंधेरे में तयशुदा ग्रामीण इलाकों में भारी भरकम मशीनों को लेकर पहुंच जाते हैं, जहां रात भर में बोर खनन कार्य को बेहिचक अंजाम दे दिया जाता है। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी अनुसार इन बोर खनन माफियाओं की पहुंच और रसूख के चलते स्थानीय प्रशासन के जिम्मेदार भी इन पर कार्रवाई करने के बजाय इन्हें संरक्षण देने में ही अपनी भलाई समझते हैं, जिनके संरक्षण में ही खुले क्षेत्र में अवैध रूप से बगैर किसी अनुमति के बोर उत्खनन के कार्य को ताबड़तोड़ अंजाम दिया जा रहा है। उमरिया से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।